अभी आप जो सीख रहे हैं, आप डेमो क्लास ले रहे हैं, 10:30 का हमारा पब्लिक डेमो क्लास है, इसमें आप देख रहे हैं वीवे माइक्रो प्रोग्रामिंग, और इसमें हम एक क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि हमारे एक सीट पे डेट डली हुई है, और उसमें हम ये चाहते हैं कि सिर्फ करेंट डेट ही एक्टिव हो, उसके अलावा बाकी सारे डेट इनएक्टिव है, मैंने अनलॉक्ड है। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं नया डेटा लेता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए डेटा शीट हमने कर लिया और हमने कॉलम में डेट दे दिया, ठीक है, डेट, और डेट में हमने डेट और भी चीज हो सकती है, फिलहाल डेट ही रखता हूँ और मैं इस अक्टूबर का डेट डालता हूँ, और अक्टूबर के पूरे महीने का डेट हमने यहाँ पे डाल दिया। अब क्वेश्चन ये है कि इसके बाद जैसे कि नेम वगैरह भी है, रोल नंबर भी है, और भी चीजें भी हो सकते हैं, मार्क्स है, और भी चीजें हो सकती है डेटा, लेकिन मैं आज की डेट अगर 13 अक्टूबर है तो मैं सिर्फ 13 अक्टूबर के सेल में ही टाइप कर सकूं, बाकी किसी सेल में टाइप ना कर सकूं। मानती जी, सुधीर जी, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन? समझ में आया तो कैसे करें? तो मुझे इसको इससे जाना होगा व्यू कोड पे, और यहां से वर्कशीट, और यहां से सिलेक्शन चेंज नेम, मुझे यहां एक्टिवेट पे क्लिक करना होगा। जी हाँ, एक्टिवेट। जब सीट एक्टिवेट हो तो क्या करें? सिंपल सा, सबसे पहले यहाँ पे शीट को, इस शीट में पासवर्ड लगा होता है, पहले शीट को अनलॉक करेगा। तो यहाँ पे हमने दिया शीट 2.unlock, अनप्रोटेक्ट पासवर्ड डाल दिया। शीट 2 के जगह पे हम यहाँ ये भी लिख सकते हैं शीट, और यहाँ पे डेटा भी दे सकते हैं, ओके। उसके बाद मुझे क्या करना है कि रेंज A1 से कॉमा, अगेन रेंज A65,000 या ज्यादा भी लिख सकते हैं, 10,00,000 भी कर सकते हैं, डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट प्रोटेक्ट एक प्रोटेक्ट करके इसमें आता है, अब देखिए यहां पे एक दिक्कत आती है, कभी कभी क्या है कि कोड हम लोग भूल भी जाते हैं, हम आप भी भूल जाते हैं, तो उस केस में हम एज ए डिक्शनरी कैसे यूज करते हैं? जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कभी कभी किसी वर्ड का मीनिंग बहुत से बड़े बड़ा लोग भूल जाता, तो अगर आप भूल गए तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में हमारे पास रिकॉर्डिंग माइक्रो की फैसिलिटी है, हम माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं और उस कोड का हम देख लेते हैं। यहाँ प्रोटेक्शन, हमने यहाँ पे लॉक को अनलॉक कर दिया हुआ है और ये स्टॉप कर दिया। अब क्या करा, इसकी कोड मैं मॉड्यूल्स में, यहाँ मॉड्यूल में सिलेक्शन डॉट लॉक, हम प्रोटेक्ट ढूंढ रहे थे, लॉक था सर, माफ कीजिएगा, यहाँ पे आया, हमने लॉक का यूज किया, लॉक इक्वल टू हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया, लेकिन लॉक जो है सेल का नहीं होगा, एंटायर रो का होगा, लेकिन सेल्स हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे करता हूँ एंटायर रो डॉट लॉक इक्वल टू ट्रू। तो सबसे पहले क्या हुआ, अनप्रोटेक्ट करेगा और जितना भी है सबका लॉक ट्रू, लॉक लगा देगा, लॉक ट्रू कर देगा। उसके बाद फाइंड आउट करना है कि इसमें हमारा आज का डेट कहाँ है, तो इसके लिए हमें लूप की जरूरत पड़ेगी कि फोर आर इक्वल टू चले 2 रेंज A65,000 डॉट एंड एक्सलेस ऑफ डॉट रो। सबसे लास्ट ये जो कोड है, बार बार जो मैं एंड लगा रहा हूँ एक्सलेस ऑफ, वो क्या है,
ये लास्ट रो में जाने का, लास्ट डेटा में जाने का कोड है। नेक्स्ट टाइप। अब यहां पे कंडीशन देंगे कि इफ रेंज ए, ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया, बोला डॉट वैल्यू इज इक्वल टू डेट। डेट क्या करता है, करेंट सिस्टम डेट देता है। देन डॉट एंटायर रो डॉट लॉक्ड इक्वल टू फॉल्स, और फिर इसमें हम जब हो जाएगा तो वापस जो है सीट को प्रोटेक्ट कर देंगे। जी हाँ, जो सीट का अनप्रोटेक्ट का कोड दिया था इसी में हम यहाँ पे प्रोटेक्ट का कोड दे देंगे, पासवर्ड डाल देंगे, पासवर्ड 1 2। ठीक है, उसके अलावा अब मान लीजिए कि कोड आपका कोई देख भी सकता है तो टूल्स में जाइए, इसमें ऑप्स वीवीए प्रोजेक्ट प्रॉपर्टीज पे जाइए, प्रोटेक्शन पे जाइए, लॉक पे जाइए और यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल दीजिए ताकि कोई कोड आपका ना देख सके। अब देखता हूँ इसको रन करके कहीं पे एरर तो नहीं है। तो सीट वन गया, अब डेटा सीट में मैं आता हूँ। नेक्स्ट आई विदाउट कोड, अच्छा मुझे यहाँ पे एंड इफ करना था, छोटा सा कुछ दिक्कत हो गया, एंड इफ अब वर्क करेगा। अब मैं इस पर टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ, टाइप नहीं करने दे रहा है, नहीं करने दे रहा है, देखिए टाइप नहीं करने दे रहा है। लेकिन जो आज की सिस्टम डेट है 13 में आता हूँ मैं यहाँ पे टाइप कर पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आज के डेट में ही टाइप कर पाऊंगा, उसके अलावा किसी डेट पे टाइप नहीं कर पाऊंगा, मतलब कहीं भी ऊपर नीचे। कल मैं जब फाइल खोलूंगा तो मैं 14 पे टाइप कर पाऊंगा, और ये जब भी जब सीट एक्टिवेट होगा तो ये वर्क करेगा। ओके और इसमें एक दिक्कत और भी है कि मान लो सीट एक्टिवेट नहीं हुआ तो यहाँ पे हम कोड कर देंगे वर्कबुक में, यहाँ पे दिस वर्कबुक और यहाँ पे वर्कबुक एंड ओपन पे जाके हम यहाँ कोड कर देंगे। ये जो कोड पहले से इसको डिलीट कर देता हूँ, हाँ वर्कबुक ओपन और यहाँ पे हम कर देते हैं कि सीट टू डॉट एक्टिवेट। तो जब भी फाइल ओपन होगा सीट टू एक्टिवेट होगा, जैसे सीट टू एक्टिवेट होगा एक फॉर्मूला चल जाएगा। तो सुधीर जी एंड मिताली जी कोई दिक्कत है, समझ में आया आपको सारा? हेलो, हाँ बोलिए। अब मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है पीपीएम, मेरे को तो मतलब देखने में अच्छा लग रहा है, समझ कुछ नहीं है। जब तक आप शुरू से नहीं सीखेंगे तब तक कैसे बदले, बस आप अभी मैंने मतलब वही मैं कह रहा हूँ, मेरे लिए तो बिल्कुल न्यू है ना ये, तो मतलब कोडिंग वगैरह ये सब मुझे तो आई, आप जो आई वगैरह भी लिख रहे मुझे तो उसका मतलब भी नहीं पता। जब मैं शुरू में पढ़ाऊंगा तो समझ में आएगा, क्योंकि वही कह रहा हूँ देखने में अच्छा लगा लेकिन पल्ले कुछ नहीं पड़ा। चलिए अब इसी तरह से एक एग्जांपल और दिखा रहा हूँ, मैं इसको बंद कर देता हूँ। हाँ एक है जिसमें हमने एक्सेल का यूज किया हुआ, एक रिपोर्ट नाम का लिस्ट है हमारे पास, ये देखिए इसमें मैंने समिफ का फॉर्मूला लगाया हुआ है, राइट। मैं यहाँ पे मेरा डेटा है, अगर डेटा सीट पे जाते हैं तो यहाँ पे मेरे पास डेटा है, डेटा में ये हमारे जो है नेम है, सिटी है, मंथ है और सेल्स है, और इसमें हम जब सपोर्ट में आते हैं तो यहाँ पे मेरा नेम का लिस्ट और सिटी का लिस्ट है। एक कैसे बनाया है इसका वीडियो मैंने अभी यूट्यूब पे जस्ट डाला है, आपने मेरी चैनल आईपीटी इंडिया पे जाके देख सकते हैं, लास्ट वीडियो ही मिल जाएगा आपको। मैं के समिट का है, इसमें क्या है कि जैसे मैं यहाँ से सिटी चेंज करता हूँ, दिल्ली किया दिल्ली का आ गया, नोएडा किया नोएडा का आ गया, कानपुर किया कानपुर का आ गया, ओके इस तरह का आ गया। अब अगला एग्जांपल यही है कि मुझे हर रिपोर्ट को अलग अलग फाइल में सेव करना है, हर रिपोर्ट को अलग अलग फाइल में,